हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे हद हो गई। हद हो गई कहाँ पे यूज होता है? जब हम अपने प्रॉपर डेली लाइफ में देखते हैं, जब हम किसी काम करते हैं और बहुत बोर हो जाते हैं, या तो सर कोई धीरे धीरे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा हो, तो हम वहाँ पे यूज करते हैं हद हो गई। जैसे हद हो गई सोने की, जैसे हद हो गई गाने की। कोई गाया जा रहा आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो क्या होगा? हद हो गई गाने की। जैसे आप रोज मार्केट जा रहे हैं, मम्मी आप ही को भेजती है मार्केट, तो क्या आप बोलेंगे? हद हो गई बाजार जाने की। तो इसमें हम आज इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, आज हम इसको देखेंगे। इट्स इन अ पॉप, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है इट्स इन अ पॉप प्लस वर्बल कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम इसका एग्जांपल देखते हैं। हद हो गई सोने की, इट्स इन अ पॉप स्लीपिंग। और अगर कोई लड़का है छोटा सा, वो रो रहा है, तो क्या कहेंगे? इट्स इन अ पॉप व्हिपिंग, बाजार जाने की। इट्स इन अ पॉप गोइंग टू मार्केट। जैसे आपको अगर कोई बार बार डांट रहा है, तो आप कहेंगे हद हो गई सुनने की। इट्स इनफ ऑफ लिसनिंग। थैंक यू।